हमारे यहाँ से तो ललित जीतेगा। ललित नगर और बोलो कितना विकास हुआ है तिघा विधानसभा का? बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं कहीं भी। निर्दलीय भी है, पार्टी के भी है, पुराने विधायक भी है, ललित नागर जी अलग से खड़े हो गए चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन बाजी मार जाएगा? बाजी या तो राजेश नागर या ललित नागर। काले में पानी भरा हुआ है, कोई विकास का मतलब क्या विकास हुआ? नागर जी तो कहते हैं विधान तिघा को हमने बिल्कुल चमका दिया है। नहीं, थोड़े वहाँ परेशानी है जी रोड की, तो हमारे लिए अब की बात तमाम क्षेत्र वालों के लिए सोने में सुहागे वाली बात है कि दोनों हाथों में लड्डू है। आप ललित नागर को वोट दो या राजेश नागर को वोट दो, दोनों में से कौन से भाई जीतेंगे, कोई बीजेपी में आएगा वही हमारे तिघाम क्षेत्र का काम करेगा। बहुत से हैं ये ललित नागर तो कांग्रेस के रोहित को देंगे कैंडिडेट के चेहरे पर, नहीं पार्टी के नाम, पार्टी का नाम चल रहा है। छोटे छोटे कारखाने लगाए खेतों में, सड़कें बनाने पर लगे हुए, सड़क से क्या है, बाहर सड़क बना दी, हाईवे बना दिया, अरे कारखाने लगाओ, लोगों को रोजगार दो, समझे जी। हॉस्पिटलों में कहते हैं भाई 5 लाख का 25 लाख का जो है वो मिलेगा इंश्योरेंस, और वहाँ कोई हमें दाखिल भी नहीं करता। ये खड़ी आंखों के लिए हम घूम आए, मैं घूम आया, कोई हमारा आयुष्मान कार्ड बने हुए हमको पूछता भी नहीं। बड़ा मुद्दा क्या है इस बार विधानसभा का, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा देश हित में वोट करनी है जी। कितना विकास हुआ है तिघाम का? तिघाम में हमारे अकॉर्डिंग 75% विकास हुआ है, जो कि 5 साल में पॉसिबल नहीं था। 2 साल तक कोरोना काल में चला गया, 3 साल में जितना हो सका उन्होंने अपनी मेहनत से खुद से ज्यादा इतने कम टाइम पीरियड में जो विकास हुआ है ना। कौन बाजी मार जाएगा, कौन चंडीगढ़ तक जा रहा है? देखो इसमें मुख्य मुकाबला ललित नागर राजेश नागर का है। फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं सरगर्मियां तेज हो रही हैं और मुद्दे गरमाए हुए हैं। फिलहाल अभी पहुंचे हैं तिघा विधानसभा में चेती मार्केट में, लोगों से जानेंगे, बात करेंगे कि तिघा विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, कितना विकास हुआ है और किसकी लहर है, किसकी हवा है, तो जानेंगे पब्लिक से, बात करेंगे, पब्लिक ओपिनियन लेंगे। तो शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। कौन सी मार्केट है ये? तिघा की मार्केट है। तिघा की मार्केट तो है, क्या नाम है इस मार्केट का? राजेश नगर बीजेपी। मार्केट का नाम पूछ रही भैया, चेती मार्केट मैंने पूछ लिया। चेती मार्केट, क्या माहौल है इस बार यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। किसकी हवा लग रही है? बीजेपी के, बीजेपी में जो उनके हवाले। कौन है बीजेपी? ललित नागर। और युवा हो, आपको तो पता होना चाहिए। हाँ हम आज ही आए यहाँ पे, इसलिए चुनाव। कहाँ से आए हो? यूपी से। मुकेश जी कौन सी मार्केट है तिघा की? ये चेती भगत मार्केट है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। कैसा माहौल है इस बार चुनाव का यहाँ? अब तो चुनाव माहौल बढ़िया है जी। किसका माहौल लग रहा है हमारे यहाँ? तो ज्यादातर ये इसका ललित का और राजेश का। आमना सामना? हाँ आमना सामना। रोहित नागर की बात करें तो? रोहित नागर तो हम तो जानते कम है, लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस को तो जानते हैं। अच्छा, पार्टी को जानते हैं, कैंडिडेट को नहीं जानते? कैंडिडेट को नहीं जानते, राजेश को जानते हैं और ललित नागर को। ललित नागर? हाँ निर्दलीय खड़ा हो ललित नागर। ये जिसका चुनाव चिन्ह खजूर है, नारियल का पेड़ है। हाँ चलिए, पता है आपको। हाँ मुझे ये बताइएगा, राजेश नागर जी विधायक है निवर्तमान, यहाँ के विधायक हैं। हाँ, कितना विकास हुआ है यहाँ पर तिघा में? जो इसमें हाँ, इसमें विकास तो हुआ है। जैसे कि क्या? जैसे कि 4 लाइन का ये जो ये बना है, इसके बारे में सुनते हैं राजेश ने बनवाया है। सुनते हैं? हाँ। अच्छा नहीं सुन जी, जी। और जो ये है, ये बल्लमगढ़ से और ये तिघा की तरफ आया, ये भी ये सुनने में आया कृष्ण पाल ने बनवाया। अच्छा। तो काम तो चलो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार क्या लगता है, किसका माहौल बन रहा है इस बार यहाँ तिघा में? मैं देखो, हम तो पार्टी की तरफ ही जाते हैं, हम यहाँ के उसको नहीं देखते, हम तो पार्टी के
यहाँ से कोई भी खड़ा हो, कैंडिडेट का चेहरा नहीं देखते हैं, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। हम तो पार्टी के हैं, मोदी है तो योगी के हम तो। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। आंटी रुको रुको रुको, यहीं के रहने वाली हो? नाम क्या है आपका? माता जी नाम बताइएगा। जग्गो। क्या सामान खरीदने आई हो? नहीं, पियर को आई। अच्छा, आपका पियर है यहाँ पर? अच्छा, तो आना जाना लगा रहता होगा। हाँ। कैसी सड़कें हैं तिगाव की? बुरी सड़क है, गारो गारो हुई हो रहा है। अच्छा, कीचड़ रहती है? हाँ। इधर आ जाइए। ऑटो वगैरह, ट्रांसपोर्ट बस वगैरह कुछ मिलती है? इतनी पता नहीं है बीबी, मैं अच्छा मैं घने दिन में आऊँ। घने दिन में आओ। देखिए सड़कें अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी ना हो तो आती है पीहर, तो कुछ दिन रुकती भी होंगी ना? दूसरे तीसरे दिन चली जाऊँ। अच्छा, लाइट वाइट आती है पीहर में आपके? नहीं आवे। नहीं आती? फिर गर्मी लगे, इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है, वाइन पड़े रहेंगे। अच्छा जी, हाँ। विधायक पता है कौन है यहाँ के? विधायक जी कौन है यहाँ पे? नहीं पता। चलो, तो क्या कहना चाहेंगे सड़कों के बारे में, थोड़ा सा बता दो, क्या सुधार होना चाहिए सड़कों में? बढ़िया होना चाहिए और बढ़िया बिजली आनी चाहिए, ये सुधार है। अच्छा बढ़िया। मालिक नहीं है क्या? क्या नाम है भैया आपका? युवराज जी। चेती मार्केट के क्या हाल है? चेती मार्केट तो पूरी जी बीजेपी में है। बीजेपी में है? हाँ, पूरी बीजेपी, मोदी की। मोदी की? मोदी के नाम पे ना ज्यादा काम हुए जी यहाँ पे, जो जिस चीज का वो है ना काम हुए, सड़कों का है या कोई भ्रष्टाचार का है तो हुआ, काम हुए दिखता है जो। भैया से म्यूजिक कम करो, थोड़ा सा म्यूजिक कम करो, बात करो रवि बाबू। तो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर ही। राजेश नागर जी, राजेश नागर का अपना भी है, उनका थोड़ा व्यक्तित्व ना अच्छा है। अच्छा। उनके जो काम हुए हैं पहले, पिछले जब वो MLA नहीं थे, जब भी काफी काम किए थे, यहाँ तिगाम में ITI है, यहाँ भी बहुत अच्छी ITI है। और ITI तो है, रास्ता नहीं है उसका? नहीं, रास्ता है जी, दो जगह से रास्ता है। बात करिए आगे, लोग बता रहे थे ITI तो है लेकिन रास्ता नहीं है, आने जाने में परेशानी होती है। रास्ता है, थोड़ा छोटा है रास्ता, वो पहले बड़े रास्ते की बात थी, लोग बागों ने पहले बोल दिया था कि ठीक है भाई ITI के लिए रास्ता दे देते हैं अपने खेतों में से, उसके बाद उन्होंने अपने खेतों पे कब्जा कर लिया। अच्छा। बस वो थोड़ा रास्ता छोटा है, 11 फुट का रास्ता है, बाकी रास्ता तो है, दो जगह से रास्ता है, रास्ता भी दो जगह से, एक तो वहीं से है और एक गांव के अंदर का रास्ता है, दो जगह से रास्ता पर 11 फुट का रास्ता है दोनों। और सड़कों का काम है, 4 लेन की सड़क बनाई है, फरीदाबाद से और तिगाम तक के लिए 4 लेन की सड़क बनी है। कब हुआ ये प्रोजेक्ट पूरा? ये प्रोजेक्ट तो अभी पूरा हुआ, मुश्किल से 5-6 महीने पहले की बात है, अभी हुआ है। हाँ। अच्छा। बाकी काम साल से विधायक, विधायक 5 साल से है जी, और ITI तो कम से कम 2-3 साल पहले पूरी हो गई थी। अच्छा। सड़कें हैं और सीवर लाइन का काम था तिगाम के अंदर, वो पूरा हो गया। का बहुत बुरा हाल बताया जा रहा है लोगों से, बात करिए आपने कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी रहता है, घरों में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, पीने का पानी गंदा आता है, सारी तो लाइनें नहीं बिछी है। अच्छा। पाइपलाइन पानी की है, सारी नहीं बिछी है और सड़कें नहीं बनी है, सीवर लाइन नहीं है, अब लोगों को पता नहीं क्या बाकी काम हुआ। लगता है चंडीगढ़ तक दोबारा जा पाएंगे राजेश जी? वो तो जाएंगे पक्का, 100%। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? एक मिनट लाइट्स बढ़ाने। हाँ जी, अभी तो मैं आ जा रहा हूँ जी। अब क्या नाम है सर आपका? किसका पूछ रहे हो जी? मेरा या बताइएगा। नहीं, मेरा या बॉडी का? मेरा नाम या बॉडी का नाम? आपका नाम? मेरा नाम तो अनामिका है जी, जी। जो आँखों से आपको अंदर से देख रहा, तुम्हारे आँखों से मुझे देख रहा है, इसका नाम तो अनामिका जी। इस बॉडी का जहाँ जहाँ फोटो लगी रहती है उसको सुधीर कुमार कहा जाता है जी। इस बॉडी सुधीर जी से बात करेंगे। बॉडी से बात कर रहे हो, मेरे से नहीं कर रहे हो? हाँ। सुधीर बताइएगा क्या माहौल है तिगाव विधानसभा? बहुत अच्छा है जी, सब आगे जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं है जी, सब लड़ाई कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार विधानसभा चुनाव में तिगाव, कौन बाजी मार जाएगा इस बार? दो की लड़ाई में बिल्ली मार जाएगी, बंदर की लड़ाई में बिल्ली मार खा जाए, जो जीत जाएगी। बिल्ली किसको समझूं मैं? पता नहीं, ये आप जहां आप बोलो जी। आप किसी निर्दलीय कैंडिडेट को समझूं या किसी पार्टी पक्ष को समझूं? सवाल का जवाब दिया हमने आपको, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। आप बताइए आपका क्या नाम? ये शर्मा जी बताएंगे हमारे।
शर्मा जी दिल्ली बाजी मार जाएगी, उन्होंने तो बता दिया लेकिन फुलके नहीं बताया कौन है, तो ये इनको ही। लेकिन मैं निर्दलीय की बात कर रही है, ये मार्केट में बैठे इनको ही पता है। हमें नहीं पता है, ऐसी बात नहीं, पूछने वाला सबसे आगे होता है। निर्दलीय बाजी मारने वाले हैं। चलिए जवाब मिल गया आपका, क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, तिघा विधानसभा का त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, निर्दलीय भी हैं, पार्टी के भी हैं, पुराने विधायक भी हैं, ललित नागर जी अलग से खड़े हो गए चुनावी मैदान में। जी क्या लग रहा है, किसका माहौल है, कौन बाजी मार जाएगा इस बार? बाजी या तो राजेश नागर या ललित नागर, मतलब ललित नागर और राजेश नागर में से इन दोनों का ही आमना सामना। हाँ जी, रोहित नागर की बात करें तो वो कुछ हल्का नया लड़का नया है, अगली बार वो आ जाएगा। इस बार नहीं, इस बार बड़ी मुश्किल है, युवा चेहरा है। हाँ जी, युवा पहली बार आया है। अच्छा, ये पुराने दिग्गज हैं, राजेश नागर भी, ललित नागर भी। ललित नागर जी का तो टिकट काट दिया, निर्दलीय दे दिया उन्हें अब। नहीं नहीं, ये कांग्रेस से पहले समर्थन में थे, अब पता नहीं ये राजनीति में क्या हुआ। अच्छा। ललित नागर कांग्रेस का सपोर्ट पहले से ही करता आ रहा है। अच्छा। विधायक भी रहा है ये, अब पता नहीं कैसे टिकट कटा हमको ये मालूम नहीं है। तो फिर भी इन दोनों में से कौन ज्यादा? देखो मैडम, दोनों का दो तरफा है, नागर है दोनों, बिल्कुल दो तरफा है, इन्हीं की टक्कर है। कोई सा भी एक नागर जीतेगा, नागरी राजेश नागर जीतो या ललित नागर जीतो, नागरों को धर्म संकट में डाल दिया है। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, नागरों का यही एरिया, नागर बट गए, बेशक बट गए, नागर नागर में डाल दिया है नागरों को। नहीं नहीं नहीं, देखो इनमें से एक आएगा। अच्छा। हाँ जी, औरों का कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस तो बतेरे रहे, कोई वोट किसी के लिए, और लोग खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वोट कटेंगे। कट्टरपंथी कांग्रेस है, वो कांग्रेस को देगा जी, बहुत से हैं ये ललित नागर जो कांग्रेस के, रोहित को देंगे। कैंडिडेट के चेहरे पर नहीं, पार्टी के नाम, पार्टी का नाम चल रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार मैडम। राजेश जी, कौन सी मार्केट है तिघा आपकी? ये मझावली मोड़। मझावली मोड़। कितना विकास हुआ है आपके एरिया? विकास कहाँ हुआ जी? यहाँ नहीं हुआ विकास। नहीं, कैसे, क्या विकास हुआ बताओ? आपसे पूछ रहे हैं, बताइए आप। पैदल आए हो, गाड़ी से आए हो? आए तो गाड़ी से, लेकिन नहीं, उधर पैदल घूम रहे हैं। उधर से घूम के आए हो आप? उससे वहाँ कितना विकास हो रहा बताओ? पानी भरा हुआ, दुनिया भर का बच्चे स्कूल से जाते हैं आते हैं पैदल, वो बच्चे परेशान बताओ, सारे में पानी भरा हुआ है, कोई विकास का बताओ, क्या विकास हुआ? नागर जी तो कहते हैं विधान तिघा को हमने बिल्कुल चमका दिया है। नहीं, थोड़े वहाँ परेशानी है जी रोड की, सड़कें टूटी हुई है, ये कहना चाहते हैं? सड़कें नहीं जी, पानी भरा हुआ है मैडम सड़कों पर ही, तो पानी कहाँ भरा हुआ है ये बताइए? पानी पल्ली तरफ भरा हुआ है, वो गड्ढे पे जहाँ स्कूल है, स्कूल के पास। हाँ जी, स्कूल के पास। बड़ा मुद्दा क्या है तिघा का? मुद्दे तो जाके भाई साहब बताएंगे, ये बताएंगे जी मुद्दा, आप बताइए। नागर साहब बताओ मुद्दा। देखो मुद्दा राजनीति है, ये सभी अपने अपने पक्ष के बातें रखते हैं, कांग्रेस वाले अपनी बातों को रखेगा, बीजेपी वाले अपनी बातों को रखेंगे, और जो निर्दलीय पक्ष के हैं वो अपनी बातों को आगे करने के लिए बात करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, विकास कार्य बीजेपी गवर्नमेंट में हुए भी हैं, और एक विधायक एक पाँच साल में कोई गारंटी नहीं लेता, मैं पूरे क्षेत्र को सुधार कर देता हूँ। पहले तिघा में चारों तरफ बहुत ज़्यादा कहानी खराब थी, बहुत ज़्यादा पानी भरता था, है ना, उससे काम हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है जितने को हम सेटिस्फाई करते हैं। हाँ भाई, काम हुआ है, काम हुआ है, मानते हैं चारों तरफ काम हुआ है। पानी आज पहले निकलना काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब बारिशों में इतना काम प्रॉब्लम नहीं होते। तो मंत्री जी राजेश नागर जी ने काम किया है, और जो बीजेपी है देश के लिए भी ज़रूरी है, फरीदाबाद के लिए भी ज़रूरी है, हमारे तिघा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है। अब इसमें मुद्दा चाहे आप देश का उठा लो, या फिर बीजेपी को उठाकर आप कांग्रेस को लाना चाहते हो, तो उसमें या तो फिर आप अपने मेवात और नुमे चले जाइए, वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहा है, या तो उस चीज़ को यहाँ पर रख लो, वही पाकिस्तान जिंदाबाद वाली कहानी रखना चाहते हो तो आप कांग्रेस को वोट दे दो, ठीक है ना। और उनसे बचना चाहते हो तो हमारे पास एक ही विकल्प है, अपने बीजेपी, मोदी जी की सरकार आए, बीजेपी में आए, और हमारे पास विकल्प के बाद इतना अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि हमारे जो राजेश नागर जी है वो भी हमारे नागर भाई है, और दूसरे जो ललित नागर भाई जी है वो भी हमारे अपने भाई हैं, दोनों ही हमारे पड़ोसी गांव के हैं, हमारे अपने मित्र मिलने वाले हैं,
और हमारे राजेश भाई जी अगर बीजेपी पीछे से जीतते आती है और राजेश भाई जी बनते हैं मंत्री बनते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बाई चांस ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि भाई हमारे राजेश भाई जी के साथ कोई ऐसी कोई थोड़ी घनी कमी बेसी रह जाती है और हमारे ललित नागर जी जीत जाते हैं तो वो भी बीजेपी में ही आएंगे। हमारा टारगेट है अपने क्षेत्र के लिए काम करना, हमारा टारगेट है। कैसे कह सकते हैं कि वो जीत जाएंगे तो बीजेपी में आएंगे? देखो ऐसा मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने उन्होंने 6 साल के लिए बाहर, जो एक बागी नेता जब हो जाता तो 6 साल के लिए बाहर हो जाता है, तो वो तो भाई कहीं और तो जाने से रहे, और कोई पार्टी ऐसे ही आएगी जो उनका हाथ पकड़े नहीं वो जाना चाहेंगे। तो हमारे लिए अब की बात तमाम क्षेत्र वालों के लिए ये सोने पे सुहागे वाली बात है कि दोनों हाथों में लड्डू है, आप ललित नागर को वोट दो या राजेश नागर को वोट दो, दोनों में से कोई से भाई जीतेंगे वही बीजेपी में आएगा, वही हमारे तिगाम क्षेत्र का काम करेगा। यही अब की बार हमें तसल्ली है और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा होगा इलेक्शन, अच्छी बातें होंगी, अच्छा काम होगा, चाहे राजेश भाई जी आए चाहे ललित भाई जी आए, आएंगे नागर साहब भी और काम भी। आपने भी कहा कि रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जी जी, कंप्लेंट हो गई है उसकी तो विपक्ष ने लगवाए हैं नारे, ये भी बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल तो राजनीति में ये तो चीजें चलती रहती हैं। देखो राजनीति में चीजें चलती है, चलो मैंने आपके लिए बोल दिया, मैं आपके लिए नेगेटिव हूँ, मैंने आपके लिए बोल दिया, ये थोड़ी ना आप देश को के लिए बोल दो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भी ठीक है पाकिस्तान भी हमारा भाई है, हम तो कभी नहीं कहते हमारी जो रैली होती है पाकिस्तान। इलेक्शन चाहे कोई भी हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, पार्षद के हो, राजनीति में दूसरे देशों की एंट्री कहाँ से हो जाती है? देखो कराने वाले ये कांग्रेस पार्टी, मैं 100% खुल के बोलता हूँ, क्योंकि बीजेपी वाली पार्टी में आज तक ना पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारे लगे, आज तक कहीं भी बीजेपी की पार्टी की आज तक कोई भी हुई है वहाँ पर के पाकिस्तान के नारे लगे नहीं लगे, लेकिन कांग्रेस वाली सब कुछ क्यों बीच में आता है? नहीं, आपकी बात मानता हूँ कि कांग्रेस क्यों सब अपने आप को चाहते हैं। अब क्या होता है आपने देखा होगा वोट कम्युनिटी ऐसी जिसको आप अपना सब भी मंत्री बनाना चाहते हैं कि मेरी जाता हो, तो कहीं ना कहीं उसमें जो कांग्रेस वाले वो उन्हीं की ही पार्टी में उन्हीं की ही रैली में पाकिस्तान के नारे क्यों लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के क्यों नहीं लगते, या फिर और अगर भी पार्टी है उनमें क्यों नहीं लगते, कांग्रेस वाली में क्यों लगते हैं? क्योंकि बढ़ावा उनको कांग्रेस वाले देते हैं। हमारे बीजेपी वाली पार्टी लगा के दिखा दो कोई, या फिर कोई अगर कोई हमारी कम्युनिटी पार्टी है उसमें कोई लगा के दिखा दो, बस रीजन वही है। फाइनली बता दीजिए किसका माहौल बन रहा है तिगाम में? देखो जी माहौल किसी का भी बनो, वैसे बीजेपी की जो पार्टी है बहुत मजबूत है और अच्छे काम कर रही है और ओवरऑल देश के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोदी जी की सरकार है जो वो बहुत बेस्ट है, हम भी उन्हीं को वोट देंगे, सपोर्ट सभी को कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और जो भी पार्टी उनके सामने है वो बहुत हल्की है अभी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप बीजेपी को वोट दे के चलेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा और सारे देश का जो माहौल है वो बहुत अच्छा रहेगा। बीजेपी के नाम से दोनों से जी, काम भी है उनका नाम भी है। राजेश नागर काम कराए हैं जी, सड़कों के कराए हैं, सारे कराए हैं जी, सारे काम कराए हैं। अच्छा, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार तिगांव विधानसभा का, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा देश हित में वोट करनी है जी। वोट तो करनी है, लेकिन कुछ होता है ना कि हम वोट तभी करेंगे भाई हमारा ये काम हो, इतना विकास हो चुका है सरकार, किस मुद्दे पे चुनाव वोट डालने वाले हैं? जो बिना पर्ची खर्ची के हो रहा है जी उसमें ज्यादा ईमानदारी की सरकार है, इसलिए बीजेपी को ज्यादा ला रहे हैं जी। बिना खर्ची पर्ची के काम हो रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अब कहीं पैसा देना नहीं पड़ता, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, ऑनलाइन काम हो रहे हैं जी और सारे रोड वोड सब बन रहे हैं जी।
अभी हमने लोगों से पीछे बात करी, हम मार्केट में खुद घूम कर आए हैं, सड़कें टूटी हुई है, हमारी गाड़ी भी गड्ढे में चलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन सी मार्केट लगती है ये? ये तो बोरा मार्केट है, तिगा मजावली मोड़। अच्छा, लेकिन ये ऐसा काम कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, सरकार में होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब मार्केट के रोड ऐसे हैं तो अंदर सड़कों के कैसे होंगे? नहीं अच्छे जी, देखो तिगा मजावली, तिगा फरीदाबाद, तिगा सारे अच्छे जी। तो चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर नागर हूँ। क्या लग रहा है इस बार चंडीगढ़ किसको पहुँचा रहे? चंडीगढ़ हमारे भाई साहब राजेश नागर जी जा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर जा रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। और जिस हिसाब से पिछली बार उन्होंने काम किया है, आप कह रहे थे अभी तिगाव में काम नहीं हुआ, ये 24 तिगाव के चारों तरफ से जो रोड बनी है, पिछली बार यहाँ बारिशों में चलने लायक रास्ता नहीं होता था। अगर आप अब से 2 महीने पहले आते तो यहाँ पर बिल्कुल खड्डा होता था इतना, लेकिन 2 महीने पहले तक खड्डा था, 2 महीने बना है। नहीं, बारिशों से पहले। अच्छा, तो वहाँ पर खड्डे होते हैं, लेकिन बारिशों के बाद काम कराया गया, चारों तरफ फिनिश कवर करी की गई है। और ऊपर से आगे बात करें तो हमारा जो अभी बल्लभगढ़ से और ये तिगाम के लिए जो रोड बना हुआ है ये बिल्कुल नया बना हुआ है। अच्छा। और ये तिगाम से और मंझावली के लिए जो पुल बना हुआ है वो पुल बना गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फरीदाबाद से तिगाम के लिए बिल्कुल नया रोड बना हुआ है। और हम यहाँ से मुंबई जाना चाहते हैं तो जो हमारा मुंबई बाईपास पड़ा हुआ है हमें वहाँ पर 13 शिक्षा में क्या कमी है? हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज है, कॉलेजों के गर्ल्स कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सारी चीजें सुविधा है, सब सुविधा है। मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा देखो, मुद्दा किसी भी पार्टी के लिए मुद्दा देश हित के लिए होता है। मुद्दा हमारा है वोट डालना देश के हित में। पाकिस्तान के जो मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज नू में राजनीति है, ये तो राजनीति यहाँ पर कर इलेक्शन के टाइम पे सब याद आता है। ये नू में ही क्यों होता है, कांग्रेस यहाँ पर भी है। बात नू की नहीं, हर जगह होता है, इलेक्शन में टाइम ऐसी बातें होती है। हमारे बीजेपी की पार्टी में आज तक हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगे? बीजेपी में आज तक कहीं भी पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगे या नहीं लगे, बता दीजिए। अच्छा, तिगाव में मुकाबला किससे है? कहाँ पर? तिगाव में मुकाबला दो ही पक्षों का है। कांग्रेस का तो नाम निशान है ही नहीं, उनकी तो जमानत जब्त है। अच्छा, बिल्कुल ये हम आज कह रहे हैं। और आप जब 5 तारीख के बाद हम रिजल्ट आएगा, हमारे मंत्री जी राजेश नागर जी चंडीगढ़ जाएंगे, तब भी आप देख लेना कि यहाँ पर बिल्कुल कांग्रेस का डिब्बा खोलते, उनकी जमानत जब्त कहीं कोई रोल नहीं है। नालियाँ बहुत चौड़ी चौड़ी है यहाँ पर, किसका मोहर लग रहा है आपका? मेरा तो, मैं तो यहाँ से हूँ नहीं, बाहर से हूँ मैं तो। यहाँ नहीं रहते हैं आप? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। आप क्या नाम है आपका? नवीन खटाना। किसका मोहर लग रहा है? राजेश नागर जी, बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ जी। क्या अच्छे काम कर रहे हैं राजेश नागर? क्या नहीं करा ये बता दो आप, देख लो, दिख रहे हैं हमें? इनसे पूछ रहे नहीं दिख रहे हो, किसी से पूछ रहे हैं काम ना दिख रहे हो तो बताओ। सारे काम दिख रहे हैं, स्कूल अच्छे बना दिए, ग्राउंड अच्छे बना दी, हमारी सड़कें अच्छे बना दी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा काम भी है। पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यही लोकल में, कहीं बाहर जाते हैं? नहीं, मैं तो अभी ओपन से कर रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट। अच्छा, हाँ जी, होटल लाइन में मेरी जॉब भी है। ललित नागर युवा चेहरा है। कौन सा? ललित नागर, पता है कौन सी पार्टी से? नहीं जानते? हाँ, अब हम नहीं पता कौन सी पार्टी से। वैसे जानते हैं पर्सनली? बस मैं नहीं जानता, शिकल देखी हुई है, ये ललित नागर है। पहले से या अभी जब टिकट मिल गया है तब? नहीं, पहले से खड़े हुए थे हमारे वहाँ, कुछ काम नहीं करा के भी खड़े हुए थे वो। अच्छा, हाँ, तो जब जानते थे कि ललित नागर ने कुछ काम नहीं करा है, 5 साल खराब करे इन्होंने। ललित नागर की भूल गए? हाँ, ललित नागर की होता ना, फिर भूल गए थे। 2014 में वो बने थे। हाँ। कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, हमारे स्कूल, हमारे गाँव के स्कूल खड्डे में पड़े थे बिल्कुल। और अब जाके देख लो हमारे गाँव के स्कूल को, फरीदपुर के को CBSE बना दिया, 12th क्लास तक पास करा दिया है, 3 मंजिल का हमारा स्कूल बन गया जी, सरकारी स्कूल। और हमारे खुद के घर के बच्चे जा रहे हैं उसमें। अच्छा, हाँ जी, पहले हम खुद नहीं जाते थे। अस्पताल? अस्पताल अच्छे बना दिए जी अब। और हमारे हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी है हमारे गांव के अड्डे पे, उसमें काम चल रहा है अभी, आता सही चल रहा है। तिगाव का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चल रहा है अभी, बनी नहीं है क्योंकि अब आई है ना वो सेंटर में, पहले रोड था वहाँ, रोड क्लियर करने के बाद सरकारी अस्पताल, उससे पहले सुविधाएं मिल सके ऐसा कुछ है? देखो 8,000 तो दे नहीं सकते, जहाँ जो इन्होंने अयोध्या चेंज करने के लिए 8,000 दिए उनसे पूछो, 8,000 मिल गए? मैं तिगाव की बात कर रही हूँ, कोई ऐसा अस्पताल है जहाँ पे गरीब अपना इलाज करा सके? तिगाव में अस्पताल है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, अच्छा काम कराया है उसने। तिगाव में पल्ली तरफ मंडी से परे चलती है जब स्कूल के पास। कौन सी जगह पे नाम बताइए जरा मुझे, कौन से गांव में लगता है, कहाँ? तिगाव में लगता है, तिगाव में ये बता देंगे, तिगाव के रहने वाले बता देंगे कहाँ पर हॉस्पिटल है, लोगों से भी जाने। हाँ जी, नाम है भैया आपका? आकाश ठाकुर। कितना विकास हुआ है तिगाव का? तिगाव में हमारे अकॉर्डिंग 75% विकास हुआ है।
जो कि 5 साल में पॉसिबल नहीं था, 2 साल तक कोरोना काल में चला गया, 3 साल में जितना हो सका उन्होंने अपनी मेहनत से खुद से ज्यादा इतने कम टाइम पीरियड में जो विकास हुआ है ना, वो कहीं नहीं हुआ। खेड़ी से लेकर त्याम तक की 4 लाइन रोड बनी है, जो कि पिछले 70 साल से स्टेडियम बने हैं। ठीक, आज हमारे तिगांव में 2 मेडल है ओलंपिक के आधार में। खेल का कहाँ है, खेल परिसर वगैरह? क्यों अभी त्योराव क्या नाम है, राजीव गांधी स्टेडियम बना है पीछे तिगांव का बैक साइड में। अच्छा। ठीक है जी, उधर से निकले पहले हमारे देश में मेडल कहाँ जाते, रोहतक जिन साइड के बच्चे प्रैक्टिस करते थे। आज हमारे तिगांव के 2 बच्चे ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं, सिल्वर मेडल भेज सके, पर ये सब चीजें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दिया है हमारे सरकार ने। ठीक है, मंजावली वाला भूपानी वाला पूरा रोड डबल लाइन 4 लाइन वाला हो गया। किसका मुकाबला है तिगांव में? यहाँ तो जी मैं मुकाबले कोई है ही ना। सिंगल कैंडिडेट कौन लग रहा है? सिंगल कैंडिडेट भाई सी राजेश नागर है। राजेश नागर बीजेपी, बीजेपी के नाम से, काम के नाम से, काम के भी एक चेहरा एक ऐसा है नाम, बीजेपी नाम और बंदे का और बंदे के काम। अच्छा, हाँ जी, आप कभी चले जाओ किसी से पूछ लो, कॉल कर लो भाई, लाउड स्पीकर होके आपसे गला गल बात करेंगे राजेश नागर जी। मेरा कहना ये था, फरीदाबाद में देख रहे हैं कि अगर बरसात का पानी अगर होता है तो पूरा सड़कों पर रहता है, मतलब कोई रास्ता नहीं बना के दिया कोई सी सरकार आई, जो कि पानी का एक रास्ता होना चाहिए, नाले होने चाहिए, किसी चीज से होना चाहिए, या जैसे सीवर लाइन हो जाती है, सीवर लाइन में पानी जाना चाहिए। इधर हम देखते हैं निकासी नहीं है, पानी कोई निकासी नहीं है, रोडों पर पानी भर जाता है, गलियों में, इधर देखो तमाम गाँवों में क्या कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे नोएडा देखो, नोएडा में पहले तो सबसे पहले सिविल लाइन फिर रोड, मतलब एक तरक्की की तरफ हो जाता, लेकिन यहाँ तो देखते हैं तो आगे अभी पिछड़ा हुआ है ये राज्य, जैसे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पानी सड़कों पे बहुत रहता, इसी रास्ते को निकल जाओ तो इतना इतना पानी भर जाता, अगली वाली से बहुत भर जाता है, गाँव में देखो तो पानी भरे बहुत रहते हैं। क्या ये चीज यही क्या भैया, चलो और लोगों से भी जानते हैं, और लोगों से भी जानते हैं, और लोगों से बात करेंगे। चुनावी दंगल है, लोगों से जाकर बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किसका माहौल है इस बार। सर यही के आप नाम बता दीजिए पहले, आप अपना। गोविंद राम, यही के लोकल तिगांव के मुद्दे क्या है इलेक्शन में? मुद्दे तो इस मुद्दे को अब यहाँ गाँव में चाहिए क्या, बिजली पानी ये मिलती रहे गाँव के, शिक्षा स्वास्थ्य सभी चीजें की जरूरत होती है। बाकी देखो सरकार कोई भी आए सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती जी। अब इसमें कुछ हो जाती है कुछ रह जाती है, तो अब इसमें अब हमारे यहाँ हेल्थ के बारे में यहाँ के काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, PSC है और डिलीवरी हट भी है, काफ़ी सुविधाएं हैं जो इन 5 साल में हमें मिली हैं। बाकी शिक्षा का भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा एक आप ये मानिए काफ़ी अच्छा हिसाब है शिक्षा का। किसकी टक्कर लग रही है तिकोनी चुनाव है इस बार यहाँ पे विधानसभा में तिगांव में, कौन बाजी मार जाएगा, कौन चंडीगढ़ तक जा रहा है? देखो इसमें मुख्य मुकाबला ललित नागर राजेश नागर का। रोहित नागर, रोहित नागर देखो अभी उनका इतना नहीं, अब पार्टी की जो वोट है वो तो उनको मिलेंगी, बाकी अब वो कितना अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं ये उनको पता चलेगी, अभी तो फिलहाल वो तीसरे नंबर पर। रोहित नागर तीसरे नंबर पर कर दिया आपने, कड़ा मुकाबला बीजेपी का उनका निर्दलीय का, अभी ऐसा ना वो इतने सक्रिय नहीं है रोहित नागर, अभी नए नए आए हैं, उम्र भी कोई ज्यादा नहीं ना लोगों के बीच, अभी वो जा पाए अब जा रहे हैं जी जी जी। तो लोगों को तो ये होता ना कि जो उनके पास ज्यादा संपर्क रखेगा उसी को वोट देंगे, अब देखो होता क्या है तो आगे पता चलेगा, वक्त बताएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अभी जो इतने लोगों से हमने बात की है, सभी का ये कहना है कि टक्कर का मुकाबला जो है, बस बताइए किसका माहौल लग रहा है इस बार? हमारे यहाँ से तो ललित जीतेगा, ललित नागर। और बोलो कितना विकास हुआ है तिगांव विधानसभा का? बिल्कुल नथिंग, कुछ भी नहीं कहीं भी। राजेश नागर जी तो कहते हैं चमका दिया तिगांव, हाँ आप देख लो पानी भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह से कितनी जगह से सड़कें अधूरी हैं, काम नहीं है, बिजली नहीं मिलती, राजेश के गाँव में होते हुए बिजली नहीं मिलती,
अच्छा जी, बिजली नहीं आती? आती नहीं, अच्छे अच्छे आठ आठ घंटे बिजली नहीं होती। कभी गए विधायक जी के पास कंप्लेंट पहुंचाई है? हमें परेशानी कोई है नहीं, किसी काम के लिए कोई नहीं सुनता। अच्छा, कभी आए हैं यहाँ पर, कभी जनता से रूबरू हुए हैं? नहीं, आते आते तो रहते हैं। आते रहते हैं? आते तो रहते हैं, गांव का है। अच्छा, दुख सुख में तो आते रहते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। हाँ, लेकिन ललित के मुकाबले सराफत किसी में नहीं। अच्छा जी हाँ, ललित की बहुत अच्छी गुडविल है। ये कृष्ण पाल हुए, राजेश हुए, और ये लड़का दूसरा हुआ जो, इन्हें कौन जानता। ललित की पहले से ही गुडविल है, और लोग इसे देखना ना कितनी वोटों से जिता के भेजेंगे। हाँ, गारंटी है मेरी। तो पहुंचा रहे ललित नगर को? बिल्कुल, हर हालत में। लोग रुपया बरसा रहे हैं, गांव से 1 किलोमीटर दूर कंधों पे बैठा के ले जाते हैं, फूलों की माला डालते हैं। अच्छा, इतना माहौल बढ़िया है। चलिए देखिए, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मालूम है, अगर इतिगाम में अगर विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है तो वो अब क्या है? बिजली सबसे पहले। सबसे पहले बिजली? बिजली, फिर सड़क रास्ते ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, दूसरे पानी का साधन। पेंशन आती है आपकी? आती, पेंशन आती है। आती है? आती। चलो, सही टाइम पे मिल जाती है? हाँ, पेंशन टाइम पे मिलती है। पेंशन कितने रुपए मिलते हैं? 3000। 3000, चलिए बढ़िया। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, अब जो ये इन्होंने मिनिमम वेज बनाया है ना 1,80,000 रुपए, एक हमारा लड़का है जी। उसकी कोई नौकरी नहीं, उसका कोई बिजनेस नहीं, लेकिन उसको 2 साल से हम ताकत लगा दे। युवा बेरोजगार फिर रहे, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, युवा बेरोजगार, कोई रोजगार नहीं। एक सबसे सब बड़ी बात ये है, मैंने प्राइवेट नौकरी की है बाटा के अंदर जी। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था जी, कितने उद्योग थे फरीदाबाद के अंदर थे ना, इन्हें 10 साल हो गए कोई कारखाना लगाया हमारे यहाँ का। रोजगार का कोई साधन नहीं है? कोई साधन बताओ, देहात के अंदर कितने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है? पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, छोटे छोटे कारखाने लगाए खेतों में, सड़कें बनाने पर लगे हुए, सड़क से क्या है? बाहर सड़क बना दी, हाईवे बना दिया, अरे कारखाने लगाओ, लोगों को रोजगार दो, समझे जी। हॉस्पिटलों में कहते हैं भाई 5 लाख का 25 लाख का जो है वो मिलेगा इंश्योरेंस, और वहाँ कोई हमें दाखिल भी नहीं करता। ये खड़ी आंखों के लिए हम घूम आए, मैं घूम आया, कोई हमारा आयुष्मान कार्ड बने हुए हम कोई पूछता भी नहीं। आयुष्मान कार्ड का कभी यूज नहीं हुआ? अरे देते ही नहीं हमें कोई दवा, बुझते ही नहीं आँखों के लिए, आँखों के लिए शाम तक लाइन तो उन्होंने लगवा ली, जब जिस टाइम बनवाया था ना सुबह तो शाम तक भूखे प्यासे खड़े रहे जब आयुष्मान कार्ड बना था। हाँ, ऐसे 50 बंदे गए लिए, 50-50 जब हमारे कार्ड दिए। अच्छा, और क्या, तो इस्तेमाल करा एक बार भी? अरे कहाँ, कौन इस्तेमाल करा, आग में दे देने 14 दिन उठाएगा, और जब कोई ले गई ना तो। ये जो मोदी ने बनाया ना हॉस्पिटल, इसके अंदर गए? नहीं, कोई नहीं सुनते ही नहीं है। पहले 5 हॉस्पिटल मिले, 5 लाख का वो है, 5 करमन ऐसा लगा 5 का भी नहीं है। ये सरकार भड़काती है, और गरीबों के तो पूछते ना, अपने बिरादर कर ना ऊँचे उठाते हैं। मेरी गली वो पड़ी, आगे मेरी गली पड़ी, सड़ रही है बिल्कुल, कोई मतलब भी नहीं, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। पर हम हमेशा वोट देते, क्यों खराब करे वोट दे। सरकार तो कहती है आयुष्मान कार्ड बना दिए, लाखों लाखों के लोगों के इलाज हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं, झूठ है सारा। ये बीजेपी की सरकार तो थी गाँव में, मैं अपनी अपने यहाँ के सर्वे बता रहा हूँ, महा झूठे हैं बीजेपी की सरकार। हाँ जी, महा झूठे, झूठे आश्वासन देते हैं, कुछ भी नहीं अमल में। राशन कार्ड में ना ड्यूटी है, ना कोई पैसा, ना कोई प्लॉट है उसके नाम, और फिर भी जो है ना उसका बना बनाया कार्ड, राशन भी नहीं मिला इतने तो काट भी दिया, और मेरे लड़के को 5 पैसे भी जमा नहीं है बैंक में। अच्छा, क्या जब उसको ज्यादा अपनी जमीन नियम तो देखो ना, ये मजदूरी करे इसमें किसने मजदूरी किराया मुश्किल से पटका है, दूसरे की दुकान है, हम कहाँ से मतलब दाल रोटी, हमको वो तो हमें 3-3 हजार पेंशन मिल रही है जब बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। आप देखिए, लड़की 16 साल की उम्र, मेरी 81 साल की उम्र है, इनकी 81 है, हम यहाँ मेहनत करके दोनों अपना गुजारा कर रहे हैं, और उसके बच्चे इनको पाल रहे हैं, उनके बच्चे इनको पाल रहे हैं, क्या करें, बेटी शानी हो रही है, बालक है, तो बेरोजगार है तो क्या करें, अपनी इज्जत के लिए करना पड़ता है, बाकी सुनाई नहीं है कहीं भी कुछ भी। ये जो बैठे ना कुर्सी पे, कुछ नहीं, धक्के खाते रहो, रोजगार 16 साल के लड़के घर बैठा ले, कोई रियायत नहीं स्कूल में, अब हम ये भी अच्छा पढ़ जाएगी तो कहीं इसका जीवन बन जाएगा, भविष्य है, चाहे हम कम खर्चे हम पढ़ा। तो बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, हम पढ़ा रहेंगे कैसे प्राइवेट में, अब क्या कहाँ भेज दे पीछे, वो लगा दे जनता, गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा है यहाँ पर, गवर्नमेंट है बस,
लड़के भी तो बहुत अच्छे हैं, तो बच्चन के गैर लगेंगे। अच्छा, माहौल अच्छा नहीं है? माहौल अच्छा नहीं है, हम अपने बच्चे ने जो है कोई बात नहीं, हम कम खा लेंगे। अच्छा, दाल से क्या नमक कर लेंगे, पर बच्चे ने अपने ढंग से पढ़ाएंगे, घर से बैठाते हैं। जी मैडम जी, लाइट अपने घरों में लगा रखी है, खेत अपने रोड पे आप देखो इधर खंबा खड़ा मेरा, हमारे घर के खंबा लगा रखा है खाली। अच्छा, लाइट नहीं, लाइट नहीं दिखावा है खंबा, देख जाके फोटो ले। गांव से लाइट दिखा रहे हैं, आप क्या काम करते हैं, नौकरी करते हैं क्या? मैडम नौकरी करता हूँ मैं तो, छोटी सी। छोटी सी? हाँ। कहाँ नौकरी करते हैं? स्कूल में जाऊँ, मेहनत करूँ। कितने पढ़े हुए हैं आप? ग्रेजुएशन। अच्छा। हाँ, कोई कमी नहीं है 2014 के बाद, ये तो अपनी निजी स्वार्थ के, संतुष्ट हैं आप बिल्कुल नौकरी से? मैडम सिलेंडर के लिए 3 सेक्टर जाना पड़ता था, 7 सेक्टर पहले पर्ची कटवाने, फिर मुजेड़ी जाना पड़ता था, एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। अच्छा। आज सिलेंडर घर में मिल रहा है, 2014 से पहले की बात, कब की बात कर रहे हैं जब लेने जाना पड़ता था? कांग्रेस सरकार में, ये बीजेपी सरकार की जो बात आप कर रहे हो मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात के कांग्रेस सरकार में सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में हमें मिलते थे 19,000 रुपए, आज हम बीजेपी सरकार में 10 साल 14 साल हो गए, 10 साल प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट। अच्छा, और आज मिल रहे 55,000 रुपए प्राइवेट जॉब, तो आप इससे कंपैरिजन करना आपका बहुत गलत है कि तब क्या था अब क्या था। महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, तनख्वाह बढ़ रही है, इसमें क्या है? आप संतुष्ट हैं अपनी जॉब? बिल्कुल संतुष्ट है मैडम, लाइट नहीं आती थी 8 घंटे, आज आपके सामने बोल रहे हैं लाइट नहीं आती, सारा दिन खंबे लगा रखे हैं, सारे दिन लाइट आती है मैम, 8 घंटे लाइट नहीं आती थी, लाइट आती है 2014 से पहले, लाइट तो 24 घंटे थी, अब आती है लाइट, अब 24 घंटे जब से बीजेपी सरकार आई लाइट 24। बाबा जी सामने कह रहे हैं कि लाइट नहीं आती, ये बिल्कुल कमेंटमेंट झूठ है, 24 घंटे लाइट, आप किसी भी काम में जाएंगे आपको दिखाऊंगा, 8 घंटे लाइट नहीं होती, मैं आइसक्रीम का काम करता था इन दोनों दुकानों में, मेरा 20,000 रुपए का तो नुकसान हो चुका है, 8-8 घंटे क्या, 2-2 दिन तक लाइट नहीं रहती और पानी बह के सड़क पर आ जाता है। नहीं निजी स्वार्थ की बात नहीं है, आप मेरे गांव लैंडोला है, मंदावली है, घरौड़ा है, अल्लीपुर है, आप आसपास के गांव में जाइए, 2014 से पहले ऐसा होता था कि रात को लाइट आती थी 8 बजे, सुबह 4 बजे 5 बजे लाइट चली जाती थी, और दिन में लाइट आ रही है, अब भी लाइट आ रही है, और दिन में क्या था पहले सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे लाइट आती थी, अभी क्या है कि पूरे 24 घंटे में, ये क्या है कि घंटे 2 घंटे 24 घंटे, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे 24 घंटे लाइट नहीं होगी, लेकिन अब क्या है कि घंटे 2 घंटे देखो गर्मी है, अब वहाँ पे ट्रांसफार्मर उड़ गए, ओवरलोडिंग है, उसकी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम तो सबकी बात सुन रहे हैं, हाँ, सब अपने स्कूल की बात है, स्कूल इतना अच्छा बना दिया, गर्ल्स स्कूल इतना बढ़िया बन रहा है, अपने चलिए हम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर बात कर रहे हैं लोगों से, गाँव की मार्केट से आपको लाइव भी दिखा रहे हैं, और हम लोगों से बात कर रहे हैं, बीच में लोगों से उतर रहे हैं और जान रहे हैं कि लोगों की समस्या है क्या है, कितना विकास हुआ है और किसकी हवा है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, देख रही देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।